नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 42 है, जिसमें हम पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। सो फ्रेंड, एक सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन यही है कि माइग्रेशन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे। क्लियर? सो कमेंट्स के द्वारा जल्दी से बता दीजिए। फ्रेंड्स, हम इस लेसन में जानेंगे कि माइग्रेशन होती कैसे है ना। ये सोचने वाली बात है कि साइबेरियन क्रेन्स जो है, मतलब पक्षी का नाम ले रहा हूं मैं, है ना, तो वो इतनी दूर से चल के और इंडिया में आ जाते हैं, कहाँ पे? भरतपुर सेंचुरी में। कैसे आते हैं आखिरकार, ये सोचने वाली बात है ना। और बहुत सारे बर्ड ऐसे होते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, तो उनका नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, क्योंकि वही यूपीएससी मेनली पूछेगी। उसके अलावा माइग्रेशन कितनी तरह की होती है, जैसे लैटिट्यूडिनल हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, और सीजनल तो आप देखते ही, जैसे विंटर सीजन में बहुत सारे पक्षी आते हैं और समर सीजन में आते हैं, ऑटम में आते हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करना है कमेंट्स के द्वारा। ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा होने वाला है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के द्वारा या फिर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, bit.ly/ZOOLOGYREG। R बड़ा रखना है और बाकी सारे लेटर छोटे होंगे। सो जस्ट क्लिक करके अपने डिटेल्स फिल कीजिए और सबमिट कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, माई सेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस मई 2017 एंड दिस इज जूलॉजी ऑप्शनल कोर्स एंड आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस तक जाएंगे। आप सभी जानते हैं मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, है ना। सो माइग्रेशन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, चलिए उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे फिनोलॉजी, PHENOLOGY। फिनोलॉजी मीन्स माइग्रेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ माइग्रेशन। फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि माइग्रेशन होता क्या है, है ना। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं, रेजिडेंट बर्ड कौन से होते हैं। अब मान लेते हैं कि रेजिडेंशियल हम बोलते हैं किसी भी चीज को, मतलब मूल निवासी, है ना। जैसे हरियाणा का आप एग्जांपल लेते हैं तो हरियाणा का डोमिसाइल बनता है, जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। सो फ्रेंड्स, रेजिडेंट बर्ड क्या होते हैं, दैट डू नॉट माइग्रेट, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप बॉब वाइट, है ना, और उसके अलावा जो सैंड ग्रूज हैं, अगर आप स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लें तो रफल्ड सैंड ग्रूज हो गया, है ना। अब बात आती है माइग्रेटरी बर्ड्स की। माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स दैट माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ये ए प्लेस है और यहाँ से बी पे आ गए, यानी कि साइबेरियन क्रेन जो है वो इंडिया में आ गए कहीं से चल के। कहां से आए हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस लेसन के अंदर। सो फ्रेंड, अब बात ये आती है कि माइग्रेशन आखिरकार होता क्या है, है ना। माइग्रेटरी बर्ड हमने जान लिया, रेजिडेंट बर्ड जान लिया, काइंड ऑफ माइग्रेशन भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। सो बी पेशेंस फ्रेंड्स। माइग्रेशन मीन्स, इट मीन्स ए रेगुलर, ओके, इट मीन्स ए रेगुलर पीरियोडिक और यू कैन से टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ सम बर्ड्स फॉर ब्रीडिंग, नेस्टिंग, फीडिंग एंड रेस्टिंग। नेस्टिंग और रेस्टिंग भी है, ठीक है, नेस्टिंग, रेस्टिंग, फीडिंग और ब्रीडिंग एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, माइग्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलस एंड गाइडेंस, where impulse for migration is due to instinct and gradual changes. अब देखिए, एक चीज सोचने वाली है कि मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं कि इतनी दूर से ये पक्षी चल के कैसे आ जाते हैं, है ना। अब मतलब मैं 11th क्लास में था तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने सर से पूछ लिया। सर ने बोला कि ये मेनली तो आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, है ना। अब जैसे भरतपुर सेंचुरी में साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, सो वो मेनली आती हैं किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अगर हम बाय चांस
मैग्नेटिक फील्ड उनके अकॉर्डिंग, मतलब पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनके अकॉर्डिंग है, वो उस चीज को पहचान लेते हैं। अगर हमने चेंज कर दिया वो मैग्नेटिक फील्ड तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना, मतलब उनको हम भटका सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करें तो। मेनली तो ये हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए वो भी डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। फ्रेंड्स अब ये तो हो गया छोटा सा पॉइंट कि माइग्रेशन क्या होता है, समझ में आ गया। माइग्रेशन फ्रेंड्स होता कितने तरह का है, तीन तरह का मैंने बताया था शुरुआत में ही। सो फर्स्ट क्या था, लैटिट्यूडिनल, और लैटिट्यूडिनल का दूसरा नाम क्या है, इसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड लैटिट्यूडिनल और यू कैन से वर्टिकल माइग्रेशन, सो व्हाट इज दिस, है ना, ये क्वेश्चन आया होगा एकदम से दिमाग में, स्ट्राइक किया होगा लिखते हुए। सो फ्रेंड माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू द हिली एरिया, और यू कैन से फ्रॉम ट्रॉपिकल पार्ट टू द नॉर्थ टेम्परेट एंड सब आर्कटिक रीजन। अब इसमें एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉमन वुडकॉक, ठीक है, WODCOCK, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं कौन सा दूसरा, कौन सा था भाई, किस तरह का माइग्रेशन था, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, LONGIT, लॉन्गिट्यूडिनल, TUDINAL, क्लियर। सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन फ्रेंड्स, माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर, ईस्ट टू वेस्ट एंड वाइस वर्सा, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, है ना, देखिए हम यहाँ पे सारे बर्ड्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप छोटा सा एक सर्वे के हिसाब से मान लीजिए 4000 से ज्यादा पक्षी हैं, तो किस किस का नाम आप याद रखेंगे और किस किस को आप डिस्कस कर पाएंगे, ना। सो जो मेन मेन जो है वो मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा, बाकी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, ओके। सो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई लॉन्गिट्यूडिनल का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जाम्पल होगा पेटागोनियन पॉलवर, PATAGONIAL, पेटागोनियन पॉलवर, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, कौन सा, सीजनल माइग्रेशन, SEASONAL। अब सीजनल नाम ही डिफाइन कर रहा है, सीजनल क्या है, सीजन वाइज, है ना, जैसे कि आप अपने से ही एग्जाम्पल लीजिए कि अगर यहाँ पे गर्मी बढ़ जाए तो आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाएंगे जैसे शिमला है, तो वहां पे थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा, है ना। सो इसी तरीके से जैसे समर विजिटर्स हो गए, यानी कि जो समर सीजन में आते हैं, विंटर विजिटर हो गए जो विंटर सीजन में आते हैं, है ना, तो ये एग्जाम्पल, मतलब एक जस्ट इनका सब पार्ट आप कह सकते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो लगभग 40,000 किलोमीटर चलते हैं, कितना, 40,000 किलोमीटर पर ईयर, ये मतलब सोचने वाली बात है ना, एक छोटा सा पक्षी और कैसे इतना दूर चल लेता है। सो फ्रेंड इनका बेसिक नेचर क्या है कि जब भी इनको माइग्रेशन करनी होती है तो ये अपना जो वेट है वो इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि फैट को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाते हैं, आप अपने से ही एग्जाम्पल लेके चलिए, क्योंकि ये क्लास जैसे खत्म होगी जो एविस क्लास है, उसके बाद मैमलियन शुरू होगा, यानी कि मैमल्स शुरू होगा, तो आपसे अपने को कोरिलेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप बहुत सारा पैकिंग कर लेते हैं बैग के अंदर, बहुत सारा सामान, खाने पीने का, कपड़े पहनने के, ये सब कुछ रख लेते हैं, तो इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू करना शुरू कर देते हैं, और मतलब प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ अब मैं इतने दिन चलूंगा तो अब मेरे को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फैट उन्होंने स्टोर कर लिया, ओके। फ्रेंड्स माइग्रेशन का एम क्या होता है, है ना, क्योंकि देखिए कोई भी चीज करेंगे, आप पैसा कमा रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी चीज का एम होगा आपका, है ना, क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज, उसके पीछे एक कारण जरूर होता है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, है ना। चलिए सो फ्रेंड
द प्राइमरी एम ऑफ माइग्रेशन इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द लॉन्गर डे ऑफ द नॉर्दर्न समर फॉर ब्रीडिंग एंड टू फीड देयर यंग टू अवॉइड हार्श विंटर. क्लियर? सो फ्रेंड, द एक्सटेंडेड डे लाइट आर अलाउ डाइयूरनल बर्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्लचेज ऑफ एग्स देन दोज ऑफ नॉन माइग्रेटरी स्पीसीज दैट रिमेन इन द ट्रॉपिक्स ऑल अराउंड द ईयर. इज इट क्लियर? सो फ्रेंड, एज द डे शॉर्टन इन द ऑटम द बर्ड रिटर्न टू द वार्मर रीजन वेयर द अवेलेबल फूड सप्लाई इज मोर. क्लियर? ड्यूरिंग नॉर्दर्न विंटर देर इज अ लिटिल फूड एंड कोल्ड टेम्परेचर वेयर इज इन द साउथ एंड देर इज मोर फूड एंड लेस कोल्ड. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी स्पीसीज हैं बर्ड्स की जो कि माइग्रेट करती हैं. अराउंड आप कह सकते हैं 4000 स्पीसीज पर ईयर माइग्रेट करती हैं. और अगर एक रेंज लेना चाहें सो 1.5K से 4K, यानी कि 1500 से 4000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नोन टू माइग्रेट. एंड फ्रेंड्स, एक अगर स्पेसिफिक रीजन हम हमारा लेके चले, कहाँ का? इंडिया का और साउथ एशिया का, यू कैन से. ओके, सो यहाँ पे लगभग कितनी स्पीसीज माइग्रेट करती हैं? फ्रेंड्स, इन इंडिया एंड साउथ एशिया आउट ऑफ आवर 2000 स्पीसीज एंड सब स्पीसीज अबाउट 350 आर माइग्रेंट्स. क्लियर? अब सोच के देखिए कि 2000 हैं स्पीसीज, उनमें से 350 माइग्रेंट्स हैं, यानी कि प्रवासी हैं. क्लियर? सो इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर 100 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई इन टू इंडिया ईदर इन सर्च ऑफ फूड और टू एस्केप सीवियर विंटर ऑफ देयर नेटिव हैबिटेट. क्लियर भाई? देखिए, कोई कहीं भी कहाँ जाएगा, या तो सर्दी या गर्मी से बचने के लिए, है ना, या फिर खाने के लिए. ऐसा ही ह्यूमन बींग का नेचर है. सो फ्रेंड, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द मेजोरिटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड आर विंटर माइग्रेंट. क्लियर? क्लियर? विंटर माइग्रेंट होते हैं, मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं. ओके, सो एरिस्टोटल जी को तो आप जानते हैं, फर्स्ट नेचुरलिस्ट टू राइट अबाउट द माइग्रेशन वॉज एरिस्टोटल. क्लियर? एरिस्टोटल के बारे में और क्या जानते हैं आप, जरा कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिए. फ्रेंड्स, हु स्टडी पेलिकन्स, टर्टल डोव्स, स्वेलोज, क्वेल, स्वैन्स एंड ऑल दीज आर माइग्रेंट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल माइग्रेटिंग बर्ड फैटन देमसेल्व्स अप बिफोर माइग्रेटिंग. ये पॉइंट मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा बता दिया था कि वो फैट इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं बिफोर दे माइग्रेटिंग. क्लियर? सो फ्रेंड, एवरी ईयर यू कैन से ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम देयर ब्रीडिंग ग्राउंड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउदर्न लैंड ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. सो दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर. भाई जो गया है वो आएगा तो जरूर, है ना, और जो आया है वो जाएगा जरूर. क्लियर? सो ये मतलब कह सकते हैं कि विधि का विधान है, है ना, ये सब चीजें चलती हैं. सो फ्रेंड, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. फ्रेंड्स, बर्ड्स ऑफ प्रे, स्वेलोज एंड क्रोज माइग्रेट इन डे टाइम और नाइट टाइम. इट माइग्रेट इन डे टाइम वेयर थ्रेशेस, वाबलर्स, कुकोज एंड ऑल दीज आर माइग्रेट इन नाइट टाइम. ओके, एंड फ्रेंड्स, लार्ज बर्ड फ्लाई फास्टर देन द स्मॉलर बर्ड्स. व्हाट आर द रीजन? ये हम पिछले 3 लेसन से डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या कारण है इस चीज का. सो वो आप पिछले लेसन में चेक कर लीजिए कि क्या रीजन मैंने वहां पे बताया था. ओके,
क्योंकि हर एक चीज़ें जो है वो रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, ओके, क्योंकि लेसन काफ़ी वैसे ही लेंदी हो जाते हैं। सो फ्रेंड, डक्स एंड गीज मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ कितना? इट इज अबाउट 64 to 80 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है ये? डक्स की और गीज की, है ना? गीज तो आपने सुने होंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम हॉक्स की बात करें या फिर रिवन्स की बात करें तो उनकी स्पीड कितनी होती है? उनकी होती है लगभग 35 to 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो फ्रेंड, मोस्ट बर्ड्स माइग्रेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 फीट, ओके, और लेस। बट क्रेन एंड गीज माइग्रेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, ये मतलब बड़ी खुर्राफ आती हैं, है ना? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स तो माइग्रेट करेंगे 3000 एल्टीट्यूड और लेस, बट जो क्रेन्स हैं, ठीक है, क्रेन्स है, और दूसरा कौन सा था? गीज, ओके, GEES, ये माइग्रेट करेंगे कितने पे? लगभग 15,000 से 21,000 फीट। ठीक है, मतलब ये खुराफात करना चाहते हैं, ओके। सो खुराफात मीन्स एडवेंचर्स, ओके। सो फ्रेंड्स, बिफोर माइग्रेशन बर्ड्स ईट मोर फूड एंड स्टोर इट एज ए फैट फॉर देयर लॉन्ग जर्नी, ओके, क्लियर? सो सम माइग्रेंट्स ऑल्सो डबल देयर बॉडी वेट बाई स्टोरिंग फैट बिफोर माइग्रेशन, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने पिछले वाले लेसन में डिस्कस किया था जब हम फ्लाइट एडेप्टेशन की बात कर रहे थे। सो एक एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड का, HUMMING BIRD। और हमिंग बर्ड में भी आप अगर स्पेसिफिकली जाएं तो रबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड, ओके। इसका भाई वेट कितना होता है? बड़ा लाइट है, कितना? 4.8 ग्राम, ठीक है। एंड कैन यूज स्टोर्ड फैट टू फ्यूल ए नॉन स्टॉप जर्नी, ओके। और यू कैन से फ्रेंड्स, ये लगातार कितना उड़ सकता है? 24 घंटे, क्लियर? और अगर आप किलोमीटर में मापें तो 6 किलोमीटर नहीं, 600 मील, क्लियर, कंटिन्यू, ठीक है। ये इसका एक आप कह सकते हैं स्पेसिफिक कह लीजिए या फिर स्पेसिफिकेशन कह लीजिए, ओके। सो एवरीथिंग इज सेम फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, देखिए एक छोटा सा, चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक, है ना? और बेसिक भी काफ़ी लेंदी सा हो गया, क्योंकि देखिए बेस बनाना जरूरी है, उसके बाद तो मंजिलें अपने आप खड़ी हो जाती हैं, ठीक है? तो चलिए अब कुछ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन कह लीजिए, माइग्रेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स, तो ये नेविगेशन उनका, ठीक है, और किस किस सीजन में होती है, मतलब समर में कौन से बर्ड्स आते हैं, समर माइग्रेशन किन बर्ड्स की होती है, विंटर माइग्रेशन किन बर्ड्स की होती है, ठीक है? ये सारी चीजें अब आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स। पहले हम बात करेंगे माइग्रेशन किसकी? पेंगुइन की, है ना? ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप काफी ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। पेंगुइन का सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है पेंगुइन्स का। सो फ्रेंड, आफ्टर ब्रीडिंग मोस्ट पेंगुइन स्पीसीज मोल्ट रिलाइंग ऑन फैट रिजर्व टू सस्टेन दैम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 to 5 weeks विदाउट फूड, है ना? क्योंकि इतना समय इनको माइग्रेशन में लगेगा। एंड फ्रेंड्स, आफ्टर मोल्टिंग पेंगुइन कैन एंटर वाटर टू फाइंड फूड एंड माइग्रेट। एंड एज यू नो, ऑल पेंगुइन्स एक्सेप्ट 6 स्पीसीज दैट आर एडेप्टेड टू इंश्योर लाइफ माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड रिटर्न टू लैंड ओवर द ब्रीडिंग सीजन। अब छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो 6 स्पीसीज हैं वो कौन सी है? सो इनका आंसर कर दीजिए कमेंट्स के द्वारा, ठीक है? सो फ्रेंड, अब देखिए बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरीके से ये माइग्रेट होते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में हम नेविगेशन में भी पढ़ लेंगे, ठीक है?
छोटे छोटे पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पेंगुइन के बारे में, क्लियर? फ्रेंड्स, अगर पेंगुइन के बारे में ही आपसे कोई ऐसा कुछ पूछे कि मोस्ट वल्नरेबल टाइम कौन सा होता है पेंगुइन्स के लिए, इट इज यू कैन से माइग्रेशन टाइम, ठीक है? सो फ्रेंड, माइग्रेशन के टाइम मतलब आप ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन का टाइम मोस्ट वल्नरेबल टाइम होता है किसके लिए? पेंगुइन्स के लिए। विद एनुअल सर्वाइवल एस्टिमेट्स अबाउट द रेंजिंग फ्रॉम यू कैन से 75%, ओके 75% फॉर द लिटिल पेंगुइन एंड 75% से लेके 95% तक जाता है, ये किसके लिए होगा? फॉर द एम्पिरर पेंगुइन्स, क्लियर? ये एलपी के लिए और ये ईपी के लिए, क्लियर? ओके, सो अब बात आती है एल्बाट्रोल्स की, ठीक है? और एल्बाट्रोल से आप काफी वाकिफ हैं कि ये है क्या, है ना? क्योंकि ये हमने मतलब इसके नाम जो हैं वो थोड़े से डिस्कस किए थे, है ना, जब हम ऑर्डर सब ऑर्डर ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे थे वहां पे। सो फ्रेंड, एल्बाट्रोस आर रोमिंग सी बर्ड दैट लाइव अप टू 60 ईयर, स्पेंडिंग मेनी कंटिन्यूअस ईयर एट सी बिफोर रिटर्निंग टू द लैंड और टू ब्रीड, क्लियर? बिफोर रिटर्निंग टू द लैंड टू ब्रीड, ओके? एंड यंग बर्ड लीव न्यूजीलैंड वाटर्स एंड फ्लाई सर्कमपोलर थ्रू द स्पेसिफिक इंडियन एंड अटलांटिक ओशियंस, क्लियर? तो ये जो तीन ओशियन है इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है? कहाँ से कहाँ? बिफोर रिटर्निंग टू द न्यूजीलैंड वाटर टू ब्रीड एज एडल्ट व्हेन 6 to 10 years ओल्ड, क्लियर? सो फ्रेंड, सैटेलाइट ट्रांसमीटर्स हैव बीन पुट ऑन वेंडरिंग एल्बाट्रोस एंड हैव शोन दैट द बर्ड कैन ट्रेवल एन इनक्रेडिबल, कितना किलोमीटर चलता है ये, है ना? ये लगभग 700 किलोमीटर पर डे, क्लियर? इनक्रेडिबल है ना, अतुल्य है। अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो रिवेल ह्यूज लॉस ऑफ लॉन्ग लाइन फिशिंग, ओके? एंड द वेंडरिंग एल्बाट्रोज, स्नोवी एल्बाट्रोज, दे आर द टाइप ऑफ एल्बाट्रोज एंड वन मोर व्हाइट विंग्ड एल्बाट्रोज, क्लियर? सो फ्रेंड, दीज आर द लार्ज सी बर्ड विच हैज ए कर्म पोलर रेंज इन द साउदर्न ओशन, क्लियर? अब जो ये मैंने नाम बताए हैं आपको, ये मतलब इनकी रेंज कहाँ है? साउदर्न ओशन, क्लियर? और इनमें अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या होगा? डायोमेडा एक्जुलेंस, लिख लीजिए, DIOMEDEA, डायोमेडा EXULANS, क्लियर? एक्जुलेंस। सो फ्रेंड, ये है सारा कुछ एल्बर्ट्रोज के बारे में, और अगर आप और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखना चाहें तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द ट्रैकिंग द प्रिसिस मूवमेंट ऑफ 22 बर्ड्स रिवेल्स दैट मेल आर मोस्ट लाइकली टू नेविगेट द वर्ल्ड एंड विद द फास्टेस्ट मैनेजिंग डिस्टेंस ऑफ अबाउट यू कैन से 14,000 मील्स इन 46 days, क्लियर? सो आप एवरेज इसका निकाल लीजिए, है ना, कितना किलोमीटर पर डे हो गया, क्लियर? सो ये सबसे फास्ट है और ये डायोमेडा एक्जुलेंस के लिए ही है ये पॉइंट। फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रहता ही नहीं है ना एल्बाट्रोज में, क्योंकि सारे कुछ तो मैंने आपको बता दिए। फ्रेंड्स, ये जो 700 किलोमीटर पर डे हमने डिस्कस किया ये तो एक हो गया जनरल, है ना, और अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो 1,000 किलोमीटर पर डे भी चलते हैं जो इनके पेरेंट बर्ड्स होते हैं, ठीक है? पेरेंट बर्ड्स माइग्रेट अबाउट 1,000 किलोमीटर पर डे, क्लियर? सो ये है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एल्बाट्रोस के बारे में। और अब हम चलते हैं साइबेरियन क्रेन पे, है ना,
क्योंकि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, साइबेरियन क्रेन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, है ना? क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी वालों के लिए साइंटिफिक नेम बड़े मतलब सिरदर्दी बने रहते हैं, ठीक है? सो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? ग्रूस, GRUS, ग्रूस, ल्यूको ग्रेनस, LUCO, आगे GERANUS, क्लियर? सो फ्रेंड, द साइबेरियन क्रेन नेस्ट इन यूकातिया एंड वेस्टर्न साइबेरिया ऑफ रसिया एंड माइग्रेट टू इंडिया, ठीक है? साइबेरिया से आते हैं, कहाँ पे आते हैं? इंडिया में। फ्रेंड्स, द माइग्रेशन रूट स्ट्रेचेस फॉर 4,000 miles, क्लियर? सो देयर रेस्टिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन इज द लेक, कौन सी लेक? कहाँ पे? अफगानिस्तान में। कौन सी लेक है? एबी इस्तादा, ठीक है? सो ये है। और फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये कहाँ पे आते हैं, है ना? कौन सी नेशनल पार्क कह लीजिए भरतपुर में, ठीक है? सो कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया में? नेशनल पार्क को मैं एनपी से डिनोट कर रहा हूँ। सो ये है घाना नेशनल पार्क, और पूरा अगर मैं नाम लूँ तो काला दियो घाना नेशनल पार्क, ठीक है? KHALADEO, काला दियो घाना नेशनल पार्क, क्लियर? कहाँ पे है भैया, कहाँ पे है? कोई आइडिया है? इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है? शुरुआत से, जब से लेसन शुरू हुआ है, भरतपुर में है, ठीक है? BHARATPUR, भरतपुर। और इसका दूसरा नाम क्या है? भरतपुर नेशनल पार्क भी बोल देते हैं इसको, क्लियर? सो फ्रेंड, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज बिकॉज ऑफ द साइबेरियन क्रेन, बिकॉज ऑफ द साइबेरियन क्रेन ट्रांसवर्स नियरली हाफ ऑफ द ग्लोब टू रीच इट, ठीक है? मतलब ये कह सकते हैं कि आधी पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाते हैं साइबेरियन क्रेन, कहाँ पे? घाना नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर में है, क्लियर? सो इसको आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस चीज को आप याद रखिए, आपको हर जगह काम आएगा, क्लियर? सो फ्रेंड, द ईस्टर्न पॉपुलेशन विंटर्स ऑफ द यांगतेज रिवर एंड ए लेक कॉल्ड एज पोयांग, कहाँ पे है ये? पोयांग लेक चाइना में, ठीक है? सो पोयांग लेक चाइना में है। एंड द सेंट्रल पॉपुलेशन ऑफ कोयिलादियो नेशनल पार्क इन इंडिया, और यू कैन से घाना नेशनल पार्क, ओके? सो द लास्ट साइबेरियन क्रेन इन दिस पॉपुलेशन वॉज ऑब्जर्व इन 2002। कौन सी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ? सेंट्रल पॉपुलेशन, ठीक है? सीपी। अब इस चीज को मतलब अलग अलग रखिए, ईस्टर्न पॉपुलेशन और सेंट्रल पॉपुलेशन, क्लियर? ओके। एंड फ्रेंड्स, द वेस्टर्न पॉपुलेशन, वेस्टर्न पॉपुलेशन के बारे में क्या? सो ये जाते हैं कहाँ पे भाई? फ्रीजोन किनार, कहाँ पे है? ईरान में, क्लियर? ओके फ्रेंड, इट ब्रीड्स एंड विंटर्स इन वेटलैंड वेर इट फीड्स ऑन द शूट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, क्लियर? तो साइबेरियन क्रेन यहाँ पे क्यों आते हैं? एक तो मौसम से बचने के लिए, और एक भोजन की तलाश में, है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने पास डक्स, स्वेलर्स, टील्स एंड गीज, क्लियर? सो फ्रेंड, सम डक स्पीसीज, मेनली दोज ब्रीडिंग इन द टेम्परेट एंड आर्कटिक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, आर माइग्रेटरी, एंड दोज इन द ट्रॉपिक्स हाउएवर आर जनरली नॉट, ओके? सो सम डक्स पर्टिकुलरली इन द ऑस्ट्रेलिया वेयर रेनफॉल इज पैची एंड इरेटिक एंड आर नोमेडिक सीकिंग आउट द टेम्पररी लेक्स एंड पूल्स दैट फॉर्म
आफ्टर लोकलाइज्ड हैवी रेन्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? सो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं अपने पास माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। ब्लैक हेडेड बंटिंग, ब्लैक क्या था, हेडेड, एच ई ए डी ई डी बंटिंग। इसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा ये फ्रेंड्स। और देखिए इसका साइंटिफिक नेम आप याद रखिए, इसके अलावा जो पेंगुइन्स हमने डिस्कस कर लिया, साइबेरियन क्रेन डिस्कस कर लिया, डक्स एंड स्वेलर्स वाला तो छोटा सा पॉइंट था ना, और उसके अलावा एक जो कौन सा था, एल्बाट्रोस, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर? सो फ्रेंड्स विंटर सीजन की अगर हम बात करें, सो विंटर सीजन में कौन कौन से मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है? सो फ्रेंड माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग टू इंडिया इन विंटर सीजन लाइक एज साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लैमिंगो, रफ, ब्लैक विंग स्टिल्स, है ना, कॉमन टील्स, कॉमन ग्रीक सांग, सो ये सारे नेम हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है? सो इनमें मतलब ये क्रैमिंग वाला पोर्शन है और बड़ा थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, ओके? एंड नेक्स्ट वन इज जो माइग्रेटरी बर्ड समर सीजन में आते हैं, ठीक है? एशियन कॉयल, ब्लैक क्राउन नाइट हीरोन, है ना, एंड यूरेशियन गोल्डन ओरियोल, कॉम डक, ब्लू चिक्ड बी ईटर एंड ब्लू टेल्ड बी ईटर्स एंड कुकॉल्स, क्लियर? सो ये है समर सीजन के। फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, किससे रिलेटेड, हमिंग बर्ड से रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि हमिंग बर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? इसका तो आपको साइंटिफिक नेम बताना है कमेंट्स के द्वारा। हमिंग बर्ड हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एच यू डबल एम आई एन जी बी आई आर डी एस, क्लियर? सो हमिंग बर्ड के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ माइग्रेट होते हैं भैया? सो फ्रेंड मोस्ट ऑफ द हमिंग बर्ड्स ऑफ यूएसए एंड कैनेडा माइग्रेट साउथ इन फॉल टू स्पेंड द विंटर इन नॉर्दर्न मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, क्लियर? कहां से कहां गए, यूएस और कनाडा से कहां गए, कहां गए भाई, यही है, ठीक है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, क्लियर? फ्रेंड्स अब एक चीज बताइए कि जो हमने शुरुआत में डिस्कस कर ली थी रबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड की, है ना, वो कितना चलता है और एक साथ चलता है, है ना, मतलब कंटिन्यू कितना था भाई वो डेटा, अबाउट 600 मील, क्लियर? और अगर मैं टाइम की बात करूं, सो 24 आवर्स तो आप जनरली कह सकते हैं, या फिर अगर एक रेंज देनी है आपको 24 to 25 आवर्स, क्लियर? ये आप डेटा दे सकते हैं, नॉन स्टॉप चलता है, ठीक है, अक्रॉस द गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्लियर? गल्फ ऑफ मैक्सिको। फ्रेंड्स देखिए अगर आपके सामने बड़ा सा समंदर है, या फिर मान लीजिए एक बड़ा सा तालाब है, है ना, और उसको पार करके जाना ही जाना है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो पहले आप मतलब बर्ड्स की तरह फैट स्टोर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, फैट का इन द सेंस आप ये मान लीजिए कि एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। सो अब आप उसमें बीच में तो नहीं रुक सकते, है ना, तो ये इसका मतलब आप कह सकते हैं रिकॉर्ड बनाने का एक ये जरिया है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है? सो फ्रेंड्स ए फ्यू साउदर्न साउथ अमेरिकन स्पीसीज ऑल्सो मूव टू द ट्रॉपिक्स इन द साउदर्न विंटर, ए फ्यू स्पीसीज आर ईयर राउंड रेजिडेंट इन द वार्मर कोस्टल एंड
इंटीरियर डेजर्ट रीजन्स, क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स, क्लियर? इज दैट क्लियर? हैव एनी डाउट फ्रेंड्स? सब कुछ डिस्कस कर लिया है ना, अब नेविगेशन पे बात कर लेते हैं कि भाई ये जाते कैसे हैं, है ना? ये सोचने वाला पॉइंट है जिस पे आप बहुत सोच सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। ओके यार, इतनी दूर चल के जा रहे हैं, मतलब 4,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर कैसे चल के जाते हैं और बिना किसी गाइड के, है ना, अपने आप पहुंच जाते हैं। इवन वो पक्षी भी पहुंच जाते हैं जो कभी आए नहीं यहाँ पे, है ना, फर्स्ट टाइमर भी आ जाते हैं। सो चलिए नेविगेशन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरी माने तो ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा तेज है, क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज बर्ड यूज इन नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड द वे ड्यूरिंग माइग्रेशन, क्लियर फ्रेंड्स? मैनी यूज क्लेस्टियल नेविगेशन। अब जो क्लेस्टियल नेविगेशन है वो क्या होता है ना, उससे पहले आप एक छोटी सी टर्म नोट डाउन कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। MENOTAXIS, मीनोटैक्सिस। सो व्हाट इज मीनोटैक्सिस फ्रेंड्स? ए मेथड ऑफ ओरिएंटिंग द बॉडी टू द आर्क ऑफ द सन, टू द फेज ऑफ द मून और टू द पैटर्न ऑफ द स्टार इन ए पर्टिकुलर सीजन, दैट्स कॉल्ड मीनोटैक्सिस, ठीक है? और इसे ही हम क्या बोलेंगे, कौन सी नेविगेशन? कैलेस्टियल नेविगेशन, CELESTIAL, कैलेस्टियल नेविगेशन, क्लियर? यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट? अगर है तो बता दीजिए फ्रेंड्स। अदर बर्ड्स सच एज हमिंग बर्ड्स, पीजन्स आर एबल टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द सन इवन ऑन द ओवरकास्ट डेज बिकॉज दे कैन डिटेक्ट द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इट एमिट्स, है ना? सन आपको पता है यूवी रेज छोड़ता है ना? अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग एक चीज अगर सुन लेता है, कौन सी? जैसे एक रे होती है जिसको आप क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड, और यू कैन से इंफ्रारेड, ठीक है? सो जो भी इंफ्रासाउंड सुन सकता है वो सब कुछ सुन सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण आप बताएंगे, क्लियर? सो फ्रेंड, एक्सपेरिमेंट्स इन द पैलेंट्रियम, फर्स्ट नेचुरलिस्ट कौन थे भाई, है ना? 10 मिनट पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट नेचुरलिस्ट कौन थे, रिवाइंड कीजिए, कौन थे? एरिस्टोटल, क्लियर? याद आ गया फ्रेंड्स? एक्सपेरिमेंट्स इन पैलेंट्रियम और नाइट माइग्रेंट बर्ड्स, ऑन नाइट माइग्रेंट बर्ड सच एज व्हाइट थ्रोटेड वर्बलर्स and indigo bunting reveals that they orient themselves by the position of star in the night sky, clear? And friends, some birds are sensitive to Coriolis force. What is Coriolis force? Coriolis force that arise by deflection of winds in the northern hemisphere by the earth's rotation, that's called the Coriolis force, clear? And some diurnal birds use topographical landmark such as mountain, rivers, or you can say river valleys, forest to orient themselves on the migration routes. अब देखिए, आप अगर कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई तो identification रखते ही है, है ना? किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो जैसे आपका दोस्त है कोई, उसको आप याद कैसे रखेंगे? मोटा है, पतला है, है ना? ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, उसकी नाक ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी है, है ना? उसकी हेयर स्टाइल ऐसी है। सो इस तरीके से बर्ड्स याद रखते हैं कि यार ये यहाँ पे ये माउंटेन था, यहाँ पे ये रिवर थी, यहाँ पे ये फॉरेस्ट था,
और जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो तो हेल्प कर ही रहा है उनकी, है ना। दैट्स इट, है ना। सो ये सारी चीजें होती हैं फ्रेंड्स। अब कुछ सोचने वाली बात और है कि जो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसे अगर कोई सुन लेता है, सो इसका मतलब वो कुछ भी सुन सकता है। क्लियर। चलिए फिर उस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। सम ऑफ द बर्ड्स आर एबल टू डिटेक्ट इंफ्रारेड और यू कैन से लो फ्रीक्वेंसी साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई पाउंडिंग ऑफ द ओशियन सर्व दैट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड आर डिटेक्टेड बाई द बर्ड्स। क्लियर। सो फ्रेंड, मैनी बर्ड्स पर्टिकुलरली सी बर्ड्स आइडेंटिफाई दैट देयर डेस्टिनेशन बाई द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, मतलब बहुत सारे खुशबू से भी पहचान लेते हैं। जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो किसी भी व्यक्ति को खुशबू से, मतलब सूंघ के बता देगा, है ना। और बहुत सारे बर्ड्स के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है, चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले जो इंफ्रासाउंड, ये जो यहाँ पे पॉइंट आया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कहाँ पे है इंफ्रा साउंड। सो फ्रेंड, इंफ्रा साउंड ट्रेवल मच फादर देन द ऑर्डिनरी साउंड। ये जो इंफ्रा साउंड है वो आप ये लिख लीजिए कि फास्टर है। इट इज मच फास्टर देन द ऑर्डिनरी साउंड एंड इट कम्स फ्रॉम द मैनी डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज दैट इंक्लूड्स ओशियन वेव्स, सर्फ्स, विंड्स, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स एंड अदर जियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब अगर जो जियोलॉजी है उसको जियोलॉजी, इसको देखिए, इसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन इसको देसी भाषा में अगर हम बोलते हैं तो इसको भाटालोजी बोलते हैं, है ना। सो जिसके मतलब जिसके अंदर पत्थरों की स्टडी मेनली की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जस्ट एक निक नेम हो गया। ओके। सो इंफ्रासाउंड कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे जनरेट होती है वो आपने जान लिया, है ना फ्रेंड्स। अब सोच के देखिए, जिसको अर्थक्वेक की साउंड सुन जाए वो सब कुछ सुन सकता है ना, क्योंकि ह्यूमन बींग तो सुन ही नहीं सकता इस चीज को। चलिए फ्रेंड्स, अब आती है बायोलॉजिकल क्लॉक की बात, है ना। बायोलॉजिकल क्लॉक आई थिंक ह्यूमन बींग के अंदर भी है ना। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग 12 बजे सो जाते हैं और ऑटोमेटिक बिना मोबाइल के अलार्म के 5 बजे उठ गए या फिर 4 बजे उठ गए या 6 बजे उठ गए। क्लियर। सो बिना अलार्म के उठ गए, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक, उनकी जो मेंटेलिटी है वो इस तरीके से सेट हो चुकी है कि वो उस समय उठेंगे ही उठेंगे। सो इसी तरीके से बर्ड्स के अंदर भी सम काइंड ऑफ इंटरनल कंपास एंड सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक आर देयर, ओके, टू रूट द माइग्रेशन, टू गाइड द रूट ऑफ माइग्रेशन यू कैन से। सो फ्रेंड, मैनी बर्ड पजेसेस इंस्टिंक्ट और सम काइंड ऑफ इंटरनल कंपास और यू कैन से अनदर वे बायोलॉजिकल क्लॉक दैट गाइड देम टू द रूट ऑफ माइग्रेशन। क्लियर फ्रेंड्स। यंग बर्ड्स फॉलो द माइग्रेशन रूट एक्यूरेटली विदाउट प्रीवियस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। अब ये कमाल की बात है कि जो यंग बर्ड्स हैं, जिनको ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई ट्रेनिंग का, मतलब उनको ना कोई ट्रेनिंग मिली, इवन दो वो एक्यूरेटली पहुंच जाते हैं, एक्यूरेटली माइग्रेट कर जाते हैं, इसके पीछे यही चीजें हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक है, इंटरनल कंपास है ना, ये सारी चीजें गाइड करती हैं उनको। क्लियर। सो अब अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे यूपीएससी के लिए, है ना। सो इंफ्रासाउंड हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, सम बर्ड सच एज ऑयल बर्ड ऑफ साउथ अमेरिका पजेसेस इको लोकेशन एंड कैन बी गाइडेड बाई इट। इको क्या होती है? एको। एको जैसे मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में फुल नेटवर्क है, क्लियर। अब क्या होगा कि
जो आप अगर किसी को मोबाइल से फोन लगाएंगे तो आपकी जो वॉइस है वो घूम के वापस आएगी, है ना। मतलब अति सर्वत्र वर्जित है, क्लियर। हद से ज्यादा कोई चीज है तो फिर वो नुकसान करेगी ही करेगी, क्लियर। सो चलिए छोटे से पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। फ्रेंड्स, एक छोटी सी टर्म है जिसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्रिप्टोक्रोम्स। CRYPTOCHROMES। क्रिप्टोक्रोम्स होते क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्रिप्टोक्रोम डिस्कस करने से पहले थोड़े से पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जैसे कि सम बर्ड्स सच एज पीजन। अब जो पीजन है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए सेंसिटिव है, और उसकी जो ग्रेविटी है उसके लिए सेंसिटिव है, बिकॉज ऑफ। अब देखिए जो पीजन है, क्या चीज? पीजन, PIGEONS। पीजन्स का जो नेक है, नेक एंड हेड मसल, इसके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, क्या किसी को कोई आइडिया है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है मैग्नेटाइट, MAGNETIT, क्लियर। ये किसके लिए सेंसिटिव है? चेंज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द ग्रेविटी, क्लियर, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइट, क्लियर। इसके अलावा एक और है जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो पीजन की स्किन पे लाइनिंग होती है। देखिए, कभी एक आर्टिकल छपा था, एक पता नहीं कौन सा जर्मन जनरल था जिसका नाम था नेचर विशन कैप्टन नाम से साइंटिस्ट था। उन्होंने अनाउंस किया था कि कुछ टाइनी आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स होते हैं, क्या चीज? आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल, ये भी पीजन से रिलेटेड ही है। आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स इन द स्किन लाइनिंग ऑफ द अपर बीक ऑफ द पीजन। और पीजन में भी अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो उस पीजन का नाम है होमिंग पीजन, ठीक है। सो होमिंग मेंशन कर लीजिए, HOMING, और P फॉर पीजन मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। होमिंग पीजन दैट लेड आउट इन ए थ्री डायमेंशनल पैटर्न इन ए वे दैट द बर्ड्स माइट बी एबल टू सेंस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मोशन एंड पॉस्चर एंड दस आइडेंटिफाई देयर जियोग्राफिकल पोजिशन। अब एक चीज सोच के देखिए कि जो कबूतर है वो जैसे विलेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ये एक कोना है विलेज का और ये दूसरा कोना है, ठीक है। अब पूरे दिन में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चक्कर काट के और रात को फिर यहीं आ जाते हैं, है ना। ये भी सोचने वाली बात है कि पूरे गांव में घूम के फिर से वहीं आ गए, है ना। सो बिकॉज ऑफ दीज आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल प्रेजेंट ऑन द स्किन। देखिए, जो भी चीजें नेचर ने बनाई है परफेक्ट बनाई है, और उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। किसी भी चीज को आप उठा के देख लीजिए। अब बात आती है क्रिप्टोक्रोम्स की। फ्रेंड, क्रिप्टोक्रोम्स से आप क्या समझते हैं? क्रिप्टोक्रोम्स मीन्स दैट चेंज देयर केमिस्ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इन द रेटिनाज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आईज। अब जो क्रिप्टोक्रोम्स हैं उनका मीनिंग क्या निकला? दैट चेंज देयर केमिस्ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनकी आईज में, क्लियर। व्हेन लाइट हिट्स दीज मॉलिक्यूल देयर केमिस्ट्री चेंजेस एंड मैग्नेटिज्म कैन इन्फ्लुएंस देम, क्लियर।
द मॉलिक्यूल्स माइट देन अफेक्ट लाइट सेंसिंग सेल्स इन द रेटिना टू क्रिएट इमेज विच शुड हेल्प द ब्रेन नेविगेट ड्यूरिंग फ्लाइट। क्लियर? अब सोच के देखिए कि ये पक्षी ए है, ठीक है, और ये एक्स जगह से वाई जगह पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि साइबेरिया से इंडिया आ रहा है ये उड़ता उड़ता, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ कि जो कोई भी कंट्री मान लीजिए, कंट्री जेड, ठीक है, इसने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जो इससे सिमिलर है। अब वो पक्षी कहाँ आएंगे? यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हम उनको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने चेंज कर दिया, एज इट इज वैसा का वैसा कहीं दूसरे स्थान पे लगा दिया, सो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने स्थान से, है ना। जैसे आप पढ़ रहे हैं और आपके पास मतलब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए तो आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप फिर उसमें लग जाते हैं सोशल मीडिया में, ठीक है। सो जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं करना है, ओके। सो इसके अलावा तो शायद कोई एग्जाम्पल नहीं है और कोई थ्योरी भी नहीं है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो। उसके अलावा हमने बात तो करी ली कि सन से भी हो जाता है ना, मतलब अगर आंखें बंद भी है तो, या फिर कह सकते हैं मौसम खराब भी है तो भी सन की डायरेक्शन इनको पता लग जाती है, बहुत सारे बर्ड्स तो ऐसे हैं, ठीक है, मतलब इतनी गजब टेक्नोलॉजी है इनके पास जो अभी ह्यूमन बींग्स अभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो आगे कुछ डिस्कवरीज में ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कुछ बर्ड्स की जो कि इम्पोर्टेंट है। 10 से 12 बर्ड्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लिस्ट थी बर्ड्स की, जो कहाँ से आते हैं, कहाँ पे जाते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, सो वो रटने वाली बात हो जाएगी और डेफिनेटली नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्लियर। सो उसमें सारे कुछ मेंशन रहेंगे, आपको अगर पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये लेसन जो है ना बड़ा लेंदी हो जाता अगर मैं सारे कुछ मेंशन कर देता इसके अंदर पॉइंट्स, है ना, 2 घंटे का लेसन चला जाता। सो लेसन को लिमिटेड भी रखना था और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर भी करना था, ठीक है। सो चलिए इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेवे। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? देखिए साइंटिफिक नेम चलिए बता देता हूँ, है ना, क्योंकि पांच पांच तो वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं और फिर आप बोलेंगे साइंटिफिक नेम भी नहीं बताया। सो साइंटिफिक नेम है इसका पोडिसेप क्रिस्टेटस, लिख लीजिए PODICEPS CRI CRI STATUS। क्लियर फ्रेंड्स? कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है? बर्ड्स फ्रॉम यूरोप टू साइबेरिया, और ये विंटर विजिटर है टू द नॉर्दर्न इंडिया। क्लियर? ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ब्लैक नेक ग्रेवे। सो पॉलिस आपको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। उसके अलावा जो इसकी स्पीसीज है वो है निक्रीकोलिस, NIGRICOLLIS। क्लियर? ये कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है? ये भी विंटर विजिटर है। कहाँ पे? इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। सो वैसे ये रहने वाला कहाँ का है, है ना, यूरेशिया, अफ्रीका और नॉर्दर्न अमेरिका। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट की। नेक्स्ट है वाइट स्ट्रोक। सो व्हाइट स्ट्रोक का साइंटिफिक नेम, या फिर कह सकते हैं जियोलॉजिकल नेम, सिकोनिया, CICONIA, सिकोनिया, व्हाइट स्ट्रोक है ना, सिकोनिया, सिकोनिया, ठीक है, CICONIA, 2 बार। क्लियर? सो फ्रेंड, ये जो स्पीसीज है वो पैलियार्क्टिक स्पीसीज है, दैट विजिटिंग ऑल ओवर द इंडिया इन द विंटर। क्लियर?
अब इसके बाद आता है वूपर्सवैन। देखिए स्टॉक का ब्लैक भी है और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी, लेकिन सारे के सारे आपको नोट्स में मेंशन करके दे दिए जाएंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो पूछे गए हैं किसी भी तरीके से यूपीएससी के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वूपर्सवैन इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? सिग्नस सिग्नस, CYGNUS, CYGNUS, क्लियर। चलिए सो साइंटिफिक नेम से तो बात नहीं बनती है, इसके बारे में कुछ लिखना भी होगा, है ना। इट ब्रीड्स इन यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एंड फ्रेंड्स विंटर कहाँ पे गुजरती है इनकी? इन यूरोप, यूएसए, एशिया एंड इंडिया, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, पिनटेल डक। सो पिनटेल डक का साइंटिफिक नेम या जियोलॉजिकल नेम क्या है? अनास क्रेका, ANASCRECCA, क्लियर। सो फ्रेंड अगर हम बात करें इसकी, तो ये होलार्क्टिक स्पीसीज है दैट विंटर ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउदर्न नॉर्थ अमेरिकन, क्लियर। सो फ्रेंड ये तो थे कुछ आप कह सकते हैं कि वाटर बर्ड्स, ठीक है। इनकी कैटेगरी को आप WB लिख लीजिए, वाटर बर्ड्स। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नाम सुन के ही मतलब अंदाजा लग रहा होगा ना, ये वही है जो मार मार के खाते हैं सभी को, ठीक है। कौन से हैं? पीबी, पीबी मीन्स प्रेडेटरी बर्ड्स, क्लियर। सो पहला है स्पैरो हॉक। स्पैरो हॉक का साइंटिफिक नेम या जियोलॉजिकल नेम एसिपीटर नाइसस, ACCIPITER NISUS, क्लियर। सो ये एक पैलैक्टिक स्पीसीज है, पैलैक्टिक ब्रीडिंग स्पीसीज दैट विजिट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द विंटर। मोस्टली यहाँ पे विंटर में ही आएंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है फिश हॉक। सो फिश हॉक का जियोलॉजिकल नेम पेंडियोन हेलियटस, PANDION, पेंडियोन हेलियटस, HALIATUS, क्लियर। सो फ्रेंड इसके बारे में क्या? दैट ब्रीड्स इन यूरोप एंड विंटर विजिटर इन इंडिया, क्लियर। इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं तो इंडिया के अंदर तो मतलब इनका आप कह सकते हैं माइग्रेशन होगा ही होगा, क्लियर। फिर आता है अपने पास ट्वेनी ईगल। सो ट्वेनी ईगल का जियोलॉजिकल नेम क्या होगा? एक्विला रेपेक्स, AQUILARAPAX, क्लियर। एक्विला रेपेक्स फ्रेंड्स दैट फाउंड फ्रॉम रोमेनिया टू मंगोलिया एंड विंटर विजिटर टू इंडिया, ठीक है। इंडिया में तो आएंगे आएंगे। अगला है अपने पास मर्लिन। सो मर्लिन का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? फाल्को लिखिए, FALCO, फाल्को कोलम्बेरियस, CALUMBARIUS, क्लियर। सो इसकी बात करें तो पैलार्टिक ब्रीडिंग स्पीसीज है, विंटरिंग इन अफ्रीका, इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया, और मेनली अगर आप कहें तो साउदर्न एशिया में ही आता है, ठीक है ये। सो फ्रेंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्पीसीज है अपने पास प्रेडेटरी बर्ड्स की, स्कॉप्स आउल। सो स्कॉप्स आउल का साइंटिफिक नेम या फिर जोलॉजिकल नेम क्या होगा? ऑटोस्कॉप्स, OTUSSCOPS, क्लियर। दैट ब्रीड्स इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। एंड फ्रेंड्स समर विजिटर इन द हिल्स ऑफ इंडियन सब
यू कैन से इंडियन सब रीजन, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और बर्ड्स हमारे पास बसते हैं, जैसे लिटिल बस्टर्ड हो गया। सो लिटिल बस्टर्ड का जियोलॉजिकल नेम क्या होगा? ऑटिस टेट्रेक्स, TETREX। इसके बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इट इज अ यूरोपियन स्पीसीज विजिट्स नॉर्दर्न इंडिया, और यू कैन से स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉर्दर्न इंडियन ग्रासलैंड एंड कल्टीवेशन इन विंटर। क्लियर। अब आता है लैपविंग। सो लैपविंग का साइंटिफिक नेम या जियोलॉजिकल नेम वैनलस वैनलस, VANELLUS, वैनलस वैनलस। इट इज ए पैलियाटिक ब्रीडिंग स्पीसीज विंटरिंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर। अब आता है डार्क थ्रश। सो डार्क थ्रश का साइंटिफिक नेम क्या होगा? कोई आइडिया है इसका? बताऊं या फिर आपके ऊपर ही छोड़ दिया जाए डार्क थ्रश का? जल्दी बताओ। चलिए बता देते हैं। ओके, सो फ्रेंड, डार्क थ्रश का जो साइंटिफिक नेम है वो होगा टर्डस ऑब्सक्यूरस, TURDUS, टर्डस ऑब्सक्यूरस, OBSCURUS। अगर इसके बारे में स्पेसिफिकेशन देनी हो, दैट ब्रीड्स इन साइबेरिया एंड विंटर फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया टू द ताइवान। क्लियर। चलिए अब आता है रेड थ्रोटेड थ्रश। सो रेड थ्रोटेड थ्रश, इसका जीनस तो वही रहेगा टर्डस। क्लियर। स्पीसीज कौन सी होगी? रूफिकोलिस, RUFICOLLIS। सो रूफिकोलिस ब्रीड्स इन साइबेरिया टू मंगोलिया एंड विंटर्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू चाइना। क्लियर। कहाँ से है ये? साइबेरिया टू मंगोलिया, मतलब ब्रीडिंग होगा इसका, और माइग्रेशन कहाँ पे होगा? विंटर में इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू द चाइना। क्लियर। लास्ट अपने पास आता है इंडियन ट्री पिपिट। सो इंडियन ट्री पिपिट का साइंटिफिक नेम या जियोलॉजिकल नेम क्या होगा? एंथस हॉडसोनी, ANTHUS। क्लियर। स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हो गया, ANTHUS, एंथस, उसके बाद हॉडसोनी, HODZSONI। क्लियर। सो फ्रेंड, एंथस हॉडसोनी ब्रीड्स फ्रॉम साउदर्न एशिया टू साइबेरिया एंड विंटर्स इन इंडिया एंड अप टू द फिलीपींस एंड कोरिया। क्लियर। सो ये बड़ा लंबा घूमता है, इंडियन ट्री पिपेट नाम है इसका। क्लियर है। ब्रीड कहाँ पे करेगा? नॉर्दर्न एशिया टू साइबेरिया, और विंटर कहाँ पे गुजरेगी इसकी? इंडिया से लेकर फिलीपींस एंड कोरिया तक। क्लियर। सो ये थे सारे इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स। अब जो पक्षी हैं वो उड़ते कैसे हैं, है ना, मतलब उड़ने का तो सवाल ही नहीं है, माइग्रेशन कैसे करते हैं, है ना। फिशेज का भी कुछ ऐसा ही था, बर्ड्स का भी कुछ ऐसा ही है। सो दीज आर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यहाँ से ये बात 100% सिद्ध होती है। क्लियर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।